कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और ये इंट्रो में बहुत दिनों बाद दे रही हूँ आप लोगों को, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में आपको बताया कि हम लोगों ने रूम चेंज कर लिया है, तो बस जब रूम चेंज होता है, शिफ्टिंग होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो ख़रीदनी होती है, चाहे आपके पास सब कुछ क्यों ना हो। तो बस वही कुछ चीज़ें हम लोग ख़रीदने के लिए निकले हुए हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में एंटर करते ही सबसे पहले हम लोगों ने घर के लिए डोरमेट लिया, और यहाँ पे वैरायटी ऑफ डोरमेट था, बहुत ही अच्छा और अच्छे प्राइस में था। तो हम लोग वहाँ से डोरमेट लेने के बाद निकले बेडशीट और पिल्लो कवर लेने के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हम लोगों ने वेलवेट का भी देखा बट उसको लिया नहीं, सिर्फ कॉटन का ही लिया। देन हम लोगों ने पकौड़ा यहाँ से लिया खाने के लिए। अभी हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी है कम्प्लीट, और अभी चलते हैं घर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। अभी हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है बाहर, बस थोड़ा सा पकौड़ा लिया बट वो भी पैक करवा लिया, खाया नहीं, घर जाके खाएंगे। तो चलिए चलते हैं, नया घर है तो कुछ नई नई चीज़ें तो ऑब्वियसली चाहिए ही होती है। तो देखते हैं, छोटी छोटी शॉपिंग स्टार्ट है थोड़ी बहुत। हमने एक बर्तन भी उठाया एक शॉप से, हमें चाहिए था। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, और मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मुझे जाना है भाई लोगों के पास, कुछ सामान उन लोगों को देना है। भाई लोग अभी यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ है क्योंकि उन लोगों का भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। जी हाँ, तो वो लोग भी कुछ दिनों में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी कुछ सामान है जो यहाँ उन लोगों को वहाँ नीड है, तो मैं जाऊँगी अभी देने। तो उसमें आपसे मिलती हूँ रेडी होने के बाद। चलिए बिना किसी देरी के रेडी होते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धूप निकल चुकी है। कोलकाता में जो लोग रहते हैं उन्हें अच्छे से पता होगी क्योंकि यहाँ पर ठंडी ज़्यादा नहीं पड़ती है, और वही हाल है, ठंडी नहीं पड़ रही है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए पहले रेडी होते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकल चुकी हूँ। लेट हो रहा था बहुत, आप धूप देख सकते हैं कि कितना तेज़ धूप हुआ। ये तालाब है घर के बगल में, मतलब सामने, बट इतना ज़्यादा धूप है कि क्या ही मैं बताऊँ। और मुझे ट्रेन से जाना है क्योंकि भाई लोग दूर रहते हैं। हम लोग जहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वहाँ से हावड़ा स्टेशन बहुत नज़दीक हो चुका है, तो मम्मी और बेटा मुझे छोड़ने के लिए बाहर तक आए हैं साथ में। मैंने ही बोला चलो, जब तक गाड़ी पर नहीं बैठते साथ में थोड़ा चलो तुम लोग भी, तो ये लोग मुझे छोड़ने के लिए आए हैं। चलिए चलते हैं, भाई को उनका सामान दे के आते हैं। आ गई हूँ मैं स्टेशन पे, मम्मी लोग चली गई है, अब ट्रेन भी आ गई है हम लोग, अब चले चलते हैं बैठ के। बस आ गई हूँ अपने पुरानी जगह पे जहाँ पे मैं रहती थी, मतलब भाई लोग के पास वापस आ गई हूँ। पुरानी जगह का फील ही कुछ और होता है, इतने दिन रहने के बाद चेंज किए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पे शिफ्ट होने, मतलब माइंड सेट करने में ऑफकोर्स। तो आ गए हैं, अभी नाश्ते का टाइम है। धूप तो बहुत हो गया है, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा दोपहर हो गई है, लेकिन नहीं, अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं। स्टेशन का आवाज़, ट्रेन का, तो कुछ नाश्ता पैक करवा लेते हैं, मुझे भी भूख लगी है। मैं भी कुछ नहीं खाई थी, सिर्फ सुबह प्रसाद चढ़ा था वही खा के निकल ली हूँ। तो चलिए कुछ नाश्ता पैक करवाते हैं और उसके बाद हम लोग साथ में खाएंगे। चलिए चलते हैं। वापस आ गए हूँ मैं अपने वापस पुराने घर पे। घर पूरा खाली है, सामान मतलब दो भाई है उसी हिसाब से है, तो ऑब्वियसली खाली है, पूरी फैमिली यहाँ नहीं है। तो अभी बहुत जोरों की भूख लगी है, तो सब अपने नाश्ता करते हैं। 15 मिनट बैठ गए, फिर वहाँ से खुला, उसके बाद निकला तो एगो 6 नंबर में लगा था ट्रेन, तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं। मैं आपसे डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ। आने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, थोड़ा गप्पे वप्पे मारे, और उसके बाद जो मैं सोई हूँ क्योंकि भाई ऑफिस चला गया था,
तो मैं सो गई थी। जी हाँ, उसका छुट्टी नहीं था, उसने काम से बुलाया था तो मैं आ गई थी, वो ऑफिस चला गया था। और मैं उठी हूँ आई थिंक 2-3 घंटे बाद, अच्छी खासी नींद ली हूँ। उसके बाद अभी रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी यहाँ से, जो कि यहाँ की दुकान पे अच्छी मिलती है। मुझे मतलब जान पहचान हो गई है तो वहाँ से लेना मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आई हूँ तो मैंने सोचा कि लगे हाथ ले भी लेते हैं, तो इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने चाची को कॉल कर दिया है कि वो भी रेडी हो जाए अगर साथ चलना है तो, क्योंकि उसके बाद मैं वहाँ से लूँगी सामान और फिर मैं निकलूँगी घर के लिए, क्योंकि जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए चलते हैं बाहर यहाँ के मार्केट में एक बार, और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या लेने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। डन, खाना पीना डन, मतलब मोमोज भी हम लोगों ने खा लिया। अब चलिए बैक टू होम, घर की तरफ चलते हैं, ट्रेन की तरफ चलते हैं। चलिए अभी स्टेशन में बैठ के केक का मजा लेंगे, मुझे ये केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले 1 रुपया में मिलता था, अभी 5 रुपया में मिलता है, क्या कर सकते हैं। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट मॉर्निंग, और कल रात को मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। अप डाउन आपको तो पता ही, आपने देखा ही कल मैंने क्या खरीदा, वो मैं सूट नहीं कर पाई। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने 2 टी शर्ट लिया है और 2 साड़ी ली थी मैंने मम्मी के लिए, सिल्क की साड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मुझे बहुत पसंद आ गई। वैसे कुछ प्लान नहीं था बट हाँ पसंद आ गया तो ले लिया। और अभी बेटा के साथ जा रहे हैं बाहर, हम लोग कुछ सामान लेने ऑब्वियसली बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको अपडेट दे देते हैं। और ये ब्लॉग कट कट करके पता नहीं कितने पार्ट्स में बनने वाला है, देखते हैं कि कब तक इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ मैं। तो आप भी बने रहिए और चलिए। मार्केट हमारा कंप्लीट हो चुका था, जो लेना था हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद बेटे ने नाश्ता किया बाहर, पूरी सब्जी मैंने नहीं खाया, उसे खाना था तो उसे खिला दिया। और अब मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। ठंडी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बच्चों के लिए पड़ने लगी है, तो उन्हीं के लिए कुछ चीज़ें जैसे कि हुडी था, स्वेटशर्ट, ट्राउज़र, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए लेने के लिए मैं बाहर निकली थी। और काफ़ी अच्छे रेट में यहाँ पे शाम के टाइम लगा हुआ था बहुत सारा मार्केट, लोकल मार्केट था यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे अच्छे दाम पे मिल गई, तो मैंने वो सारी चीज़ें उठा ली। शॉपिंग डन हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। वैसे तो मुझे स्लीपर लेना था बट स्लीपर नहीं मिला, जो चीज़ मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी। और अभी हम लोग खाने बैठे हैं रोल, क्योंकि कोलकाता का रोल चाउमीन किसका सबसे बेस्ट होता है, इसका कंपैरिजन करना बेवकूफ़ी होगी। तो अभी हम लोग रोल खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे, तो खाते हैं उसके बाद आपको मिलते हैं। मैंने पहले ही कहा था यहाँ का रोल का कंपैरिजन नहीं हो सकता, वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बेटा के लिए मैंने लिया स्वेटशर्ट मिल रहा था, और ये ऐसे ही टी शर्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। इसके लिए 2 आई थिंक टी शर्ट है और ये एक ट्राउज़र जैसा कुछ पैंट है, ठंडी आ रही है उसके लिए। और ये स्वेटशर्ट है जो कि बड़ा वाला बेटा के लिए है, ये वाला। मुझे येलो कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ब्राइट कलर है, बच्चे में ब्राइट कलर ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये लिया। और उसके बाद मैंने लिया है टी शर्ट, जी हाँ ये टी शर्ट मैंने एक्चुअली अपने लिए लिया है, काफ़ी चीप प्राइस में मिल रहा था, और इसी में का एक लिया है बेटा के लिए मैंने। ये मुझे एक्चुअली ये वाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बट था ही नहीं साइज़, छोटा साइज़ था, अब बड़ा साइज़ का ख़त्म हो गया था, तो मैंने बेटे के लिए ले लिया। बोला एक्चुअली किसी के साइज़ का मिला, तो अभी बस ये लोग ट्राई करेंगे, देखें कैसा है। फिट हो गया तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग साथ नहीं गए थे, एक्सचेंज भी करना पड़ सकता है, इसलिए सबसे पहले ये काम करके ख़त्म करना है कि पहले ट्राई करते हैं कि कैसा हो रहा है। और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत दिन हो गया इसको कट कर 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 बना रही हूँ मैं। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग फ्रेश स्टार्ट करूँगी।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन जो आता है उस पर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और बस अपना प्यार देते रहिएगा और क्या। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और मैं रखती हूँ।